नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 12 जनवरी। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार बोर्ड इंटर मैट्रिक परीक्षा पर होगी 38 नोडल अधिकारियों की नजर। अब बस कुछ ही दिन बचे हैं बिहार बोर्ड के इंटर और मैट्रिक की परीक्षाएं होने में। ऐसे में बिहार बोर्ड ने अपनी तरफ से तैयारियों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसी क्रम में बिहार बोर्ड ने इन परीक्षाओं पर नजर रखने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है, जिसके तहत अब तक प्रदेश भर में कुल मिलाकर 38 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है, जो कि यह परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने का काम करेंगे और साथ ही सभी अधिकारी परीक्षा के दौरान केंद्रों पर नजर आएंगे। सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान बरती जाएगी खास सावधानियां। आज होने वाली बिहार पुलिस सिपाही बहाली के लिखित परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए सभी पदाधिकारियों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, जिसके तहत परीक्षा को सही तरीके से संपन्न करवाने के लिए सभी अधिकारियों को कुछ खास बातों पर ध्यान रखने को कहा गया है। इतना ही नहीं, विभाग ने तो सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास के फोटो स्टेट के दुकानों को भी बंद रखने का निर्देश जारी किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, आज संपन्न होने वाली इस परीक्षा में पहली पाली में छात्र 10 से 12 बजे तक परीक्षा का हिस्सा बनेंगे, वहीं दूसरी पाली में 2 से 4 बजे तक का इस परीक्षा में शामिल होंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्राध्यापक पद के लिए निकाली रिक्तियां। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने विद्यालय प्राध्यापक पद के 264 पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो विद्यालय प्राध्यापक के पद के लिए अभ्यर्थी को संबंधित विषय में कम से कम 48% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पास होना चाहिए। इसके साथ ही शिक्षा शास्त्री या बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थी हिंदी के देवनागरी लिपि में लिखने के कार्य की जानकारी होनी चाहिए। राजस्थानी कल्चर का ज्ञान होना भी जरूरी है। इस पद से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं। मकर संक्रांति पर लगने वाले मेले के लिए हुई 29 लाख की मांग। बिहार के राजगीर में लगने वाले मकर मेले की तैयारियों में थोड़ा समय लग रहा है, जिस पर नगर प्रबंधक राजमणि गुप्ता का यह कहना है कि कल यानी कि शनिवार को नगर पंचायत राजगीर सभागार में नगर पंचायत बोर्ड की समीक्षा बैठक की गई थी, जहां पर इस मेले से संबंधित तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं पर बातचीत की गई है। इतना ही नहीं, नगर प्रबंधक राजमणि गुप्ता का यह भी कहना है कि इस मेले में लगभग 29 लाख रुपए खर्च होने का अंदाजा लगाया गया है, जिसके लिए पर्यटन विभाग को पत्र जारी कर दिया गया है। केडिया मॉडल की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की सराहना। जल जीवन हरियाली यात्रा के 7वें चरण के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने जमुई दौरे पर कई सारी योजनाओं का शिलान्यास किया। इतना ही नहीं, जमुई के केडिया मॉडल की जमकर तारीफ की। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरअसल कोसमा आहार के पास बने सामुदायिक सिंचाई कूप निरीक्षण के दौरान केडिया मॉडल की चर्चा की, जहां पर वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि गर्मी के मौसम में पानी के स्तर में 15 फीट गिरावट आने के बावजूद केडिया गांव में एक साथ 16 कुओं का निर्माण करवाया गया है, जिसको सुनकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अति अचंभित हुए, साथ ही इस मॉडल की सराहना भी की। 60 बार फेल होने के बावजूद बिहार के सुभाष गुप्ता ने नहीं मानी हार। आज इस दौर में जब एक बार मिली हार के बाद छात्र हिम्मत हार जाते हैं, उसी दौर में बिहार के सुभाष गुप्ता का जज्बा आज के समय के सभी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बिहार के मधुबनी जिले का रहने वाला सुभाष को आज तक अलग अलग परीक्षाओं में लगभग 60 से ज्यादा बार हार का सामना करना पड़ा, जिसमें बैंकिंग, SSC, रेलवे समेत कई परीक्षाओं के नाम शामिल है। लेकिन सुभाष ने एक बार भी हार नहीं मानी और आज नतीजा यह है कि लगातार प्रयास और मेहनत के कारण RRB NTPC में उनका सिलेक्शन हो गया, जहां पर सुभाष को 139वां रैंक मिला है, जिससे कि सुभाष और उनके परिवार बेहद ही खुश है। प्रशासन की ना सुनकर गांव वालों ने खुद संभाली कमान, यह वाकया है औरंगाबाद के देव प्रखंड का, जहां पर लंबे समय से बूढ़ा बूढ़ी बांध के निर्माण का काम अटका पड़ा था। ग्रामीण द्वारा बार बार गुहार लगाए जाने के बाद भी प्रशासन ने लगातार इसे अनसुना किया, जिसको देखते हुए ग्रामीणों ने ही इस बांध के निर्माण का दारोमदार अपने हाथ में ले लिया और आज नतीजा यह है कि इस बांध की बदौलत आसपास के बंजर पड़ी जमीन लहलहाने लगी है और सूखे पड़े खेतों को अब पानी मिलने लगा है, जिसकी तारीफ हर कोई कर रहा है। यहां तक कि अमिताभ बच्चन ने भी अपने शो कौन बनेगा करोड़पति में जमकर इस बांध की और लोगों के जज्बे की तारीफ की थी। बिहार सरकार के लघु जल संसाधन ने 129 पदों पर निकाली रिक्तियां। बिहार सरकार के लघु जल संसाधन विभाग ने कनिया अभियंता के पद के लिए 129 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कनिया अभियंता के पद के लिए कैंडिडेट्स को शैक्षणिक योग्यता संबंधित विषय में डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे कि कनिया अभियंता के लिए सिविल इंजीनियरिंग में और कनिया अभियंता के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना अनिवार्य होगा। इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाकर के विशेष जानकारी ले सकते हैं। अब आइए जानते हैं बिहार की इस जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे विनय पाठक की। विनय पाठक को अक्सर हमने टीवी स्क्रीन पर और बड़े पर्दे पर अपना अभिनय सपोर्टिंग एक्टर के किरदार में करते देखा है। इनके रोल ने लोगों को खूब हंसाया है। खोसला का घोसला, भेजा फ्राई जैसी फिल्मों में काम करने वाले विनय पाठक का जन्म बिहार के भोजपुर जिले में हुआ था, जहां पर उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन बिताया था, जिसके कुछ समय बाद उन्होंने अपनी प्रतिभा और किस्मत दोनों को फिल्मी दुनिया में आजमाने की कोशिश की, जहां पर जनता ने भी उन्हें खूब पसंद किया और सराहा है। इतना ही नहीं, विनय पाठक ने अभिनय के अलावा रणबीर विनय और कौन शो को भी किया है।
बेगूसराय संग्रहालय में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बेगूसराय के संग्रहालय की स्थापना 1981 में की गई थी। इस संग्रहालय की मदद से आप बिहार एवं बेगूसराय सहित भारत के कई ऐतिहासिक और अहम पहलुओं को समझ सकते हैं। गौतम बुद्ध, भगवान गणेश, विष्णु, सूर्य के प्राचीन मूर्तियां यहां सुरक्षित हैं। इसके अलावा आप इतिहास में पढ़े पाल मौर्य राज के चलाए गए सिक्के और पांडुलिपि भी देख सकते हैं। ब्रिटिश काल के सिक्के के साथ ही अन्य प्राचीन वस्तुओं को भी यहाँ संरक्षित किया गया है। एक पद के लिए हैं 67 उम्मीदवार। बिहार में नगर आवास एवं विकास विभाग में बंपर बहाली होने वाली है। जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता दें कि नगर आवास एवं विकास विभाग कुल मिलाकर 893 पदों पर बहाली करवाने जा रहे हैं, जिसके लिए कुल मिलाकर 60,000 से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन भरा है। यानी कि एक पद के लिए औसतन 67 से अधिक उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। बिहार कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर लगाई गई मुहर। बिहार सरकार की तरफ से आयोजित की गई कैबिनेट बैठक का समापन हो चुका है, जिसमें कि कुल मिलाकर 18 एजेंडों पर सोच विचार करके मुहर लगाई गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इन सभी एजेंडों में सरकार ने पहली बार गवाहों की सुरक्षा संबंधी कोई नियम बनाया है, जिसके तहत सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना को मंजूरी दे दी है। सड़क सुरक्षा सप्ताह की हो गई शुरुआत। बिहार के नालंदा जिले में 31वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के आयोजन की तैयारी काफी लंबे समय से की जा रही है, जिसका शुभारंभ कल यानी कि बीते शनिवार से हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 7 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इतना ही नहीं, इन कार्यक्रम के जरिए प्रशासन लोगों को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक करने का काम भी कर रही है। चुरली घाट में कोसी मेला हुआ शुरू। पूस की पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बिहार के कटिहार जिले के विनोदपुर पंचायत के चुरली घाट पर कोसी मेला का आयोजन किया गया था, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। पूरे महीने तक चलने वाले इस मेले में मां कोसी की पूजा अर्चना के बाद मेले की शुरुआत की गई। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पूस की पूर्णिमा में लगने वाला यह मेला इस पंचायत में पिछले 100 सालों से लगता आया है, जिसमें दूर दूर से लोग सम्मिलित होने के लिए हर साल आते हैं। एक बार फिर से दिखने लगा शीतलहर का असर। ठंड का असर इस बार ऐसा है कि यह आम जनजीवन की परेशानियों का सबब बना हुआ है। बीते दिन बारिश के कारण मौसम में ठंड का असर बढ़ गया था। अब तापमान में गिरावट होने से शीतलहर का असर बढ़ गया है, जिससे कि पटना समेत पूरे बिहार में कनकनी का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ठंड का असर यूं ही बरकरार रहने वाला है। एनआरसी सीएए और एनपीआर पर बोले शरद यादव। लोकतांत्रिक जनता दल के अध्यक्ष शरद यादव ने एनआरसी एनपीआर और सीएए के मुद्दे पर अपना बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार की यह दलीलें बिल्कुल भी गलत है। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई ये सभी विधेयक आम जनता के हित के खिलाफ है। कहने को भारत आजाद है, मगर इतनी बेचैनी आज तक मैंने नहीं देखी। सरकार जो भी बोले, मगर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए ये सभी विधेयक एक दूसरे से संबंधित है और एक ही है। बिहार के मिन्नत रहमानी अब प्रियंका गांधी की कोर कमेटी का हिस्सा। बिहार समेत विभिन्न राज्यों में इस समय कांग्रेस अपने अस्तित्व को वापस लाने की जुगत में जुटी हुई है, और कई राज्य के परिणाम को देखें तो उसका यह कोशिश रंग भी ला रही है। इसी क्रम में कांग्रेस बिहार में इस चुनावी साल में अपने पुराने पैतरों को आजमाने में जुट गई है। इसी क्रम में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने बिहार के सुपौल निवासी और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मिन्नत रहमानी को अपने कोर कमेटी का हिस्सा बनाया है। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर फंसा पेच। विधानसभा चुनाव आने में अभी काफी समय है, ऐसे में सभी राजनीतिक दल एक दूसरे से सांठ गांठ बनाने की जुगत में लगे हुए हैं, मगर बिहार के महागठबंधन दल का नजारा कुछ और ही है, जहां पर आए दिन सीट बंटवारे को लेकर सभी दलों के सुर बिफरे हुए हैं। इसी क्रम में हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने इस बार महागठबंधन से 85 सीटों की मांग की है और यह दावा किया है कि इन सभी 85 सीटों पर उनकी जीत सुनिश्चित है। इतना ही नहीं, उन्होंने बातों ही बातों में तेजस्वी यादव को भी महागठबंधन का नेता मानने से साफ इनकार कर दिया है। कृषि कर्मण पुरस्कार लेकर बिहार लौटे कृषि मंत्री प्रेम कुमार। साल के शुरुआत में ही केंद्र सरकार ने बिहार को कृषि क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन देने के साथ ही साथ मक्का और गेहूं के अधिक उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा गया था, जिसको लेने के लिए बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार बेंगलुरु पहुंचे थे, जहां पर बिहार के नाम का यह पुरस्कार उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से दिया है, जिसको लेकर अब कृषि मंत्री वापस बिहार लौट चुके हैं, जहां पर उनके समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया है। पटना विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में राज्यपाल फागू चौहान भी पहुंचे। पटना यूनिवर्सिटी ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अपना स्थापना दिवस मनाया, जहां इस समारोह का हिस्सा बनने बिहार के राज्यपाल फागू चौहान बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पटना यूनिवर्सिटी ने यह स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में करवाया था, जहां पर स्नातक के छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित भी किया गया। ज्ञात हो, पटना विश्वविद्यालय हर साल यह स्थापना दिवस 1 अक्टूबर को ही मनाती है, मगर पिछले साल बारिश होने के कारण इस कार्यक्रम की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया था।
मकर संक्रांति के अवसर पर पटना में हर गली मोहल्ले में मिलेगा दूध दही। मकर संक्रांति के अवसर पर चलती आ रही प्रथा के अनुसार लोग दही चूड़ा खाते हैं। इसी के तहत अब मकर संक्रांति के दिन पटना के हर गली मोहल्ले में दूध और दही आसानी से उपलब्ध मिलेगा। इतना ही नहीं, लोगों की सहूलियत को देखते हुए सुधा मीठी दही अब मात्र 10 रुपए में खरीद सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, दूध दही की व्यवस्था लोगों तक पहुंचाने के लिए कॉम्फेड ने कहा है कि 20.50 लाख लीटर दूध और 3.10 किलो दही की बिक्री का इंतजाम किया गया है। अब चलिए बढ़ते मौसम की खबरों की ओर। अचानक से शीतलहर के बढ़ने के कारण ठंड से निजात मिलने की अभी कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में ठंड का असर बढ़ेगा। साथ ही साथ कहीं कहीं बादलों का आना जाना भी लगा रहेगा। इसके अलावा कुछ जगहों पर हल्की धूप के साथ साथ पछुआ हवा के कारण कनकनी बढ़ने की भी संभावना बनी हुई है। वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सीवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में ठंड का असर बरकरार रहेगा, तो कहीं कहीं बादलों का आना जाना भी लगा रहेगा। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। बिहार वासियों को अभी ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में आइए जानते हैं सराफा बाजार राहत देने का मन बना भी रही है या नहीं। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 11 जनवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 39,402 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 41,362 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 49,110 रुपए था। यानी चांदी पिछले दिन के मुकाबले ज्यादा गर्म रहा। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 80.68 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 73.94 रुपए प्रति लीटर था। अक्षय कुमार ने सलमान की अपकमिंग फिल्म की ली चुटकी। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म कभी ईद कभी दिवाली के रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है, जिस पर सलमान के अच्छे दोस्त माने जाने वाले अक्षय कुमार ने उन्हें बधाई दी है और साथ ही साथ थोड़ी खिंचाई भी की है। अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर से ट्वीट करते हुए यह लिखा है कि कभी ईद कभी दिवाली के लिए मेरे दोस्त सलमान खान, साजिद नाडियावाला और फरहाद सामजी को ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन मैं इसके सीक्वल का सुझाव देना चाहूंगा जिसका नाम है कभी ईद कभी क्रिसमस। धोनी का रिकॉर्ड तोड़ कोहली बने सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले कप्तान। विराट कोहली ने शुक्रवार को पुणे में श्रीलंका के खिलाफ कप्तान के रूप में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 11,000 रन पूरे करने का नया रिकॉर्ड बनाया है। कोहली कप्तान के तौर पर 11,000 रन बनाने वाले दुनिया के छठे और भारत के दूसरे कप्तान बने। उनसे पहले भारत के MS धोनी ने यह उपलब्धि हासिल की थी। इस मुकाम पर सबसे कम पारियों में पहुंचने के मामले में कोहली शीर्ष पर है, जबकि उनके बाद रिकी पोंटिंग, ग्रीम स्मिथ, धोनी, एलर बॉर्डर और स्टीफन फ्लेमिंग का नंबर आता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके हिसाब से भारत के क्रिकेट इतिहास का सबसे बेहतरीन गेंदबाज कौन है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।